हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा जो मैट्रिक कल खत्म हुआ था और आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कल भी हमने क्वेश्चन किए थे, होमवर्क में भी मैंने बहुत सारे प्रश्न दिए थे। अब आप सभी स्टूडेंट से यही विनती है कि आप सभी लोग जाग जाएं, क्योंकि समय आ गया है अपना बेस्ट देने का और अपनी तैयारी को अच्छा करने का। तो ज्योमेट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन करना, टॉप ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा आपके लिए। और आप सभी स्टूडेंट से यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, जिससे कि आप सभी एंजॉय कर पाएं पढ़ाई को और स्टडी को। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए, आप सभी का स्वागत है। और साथ के साथ मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रख रहा हूं, ये आपके सामने पहला प्रश्न है। तो जल्दी से समय शुरू करता हूं, आप सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। आज टेस्ट भी होगा, है ना। आज शाम को टेस्ट भी है आपका, तो ध्यान रखना, आज शाम को टेस्ट होने वाला है, कल उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो सभी लोग जुड़ गए हैं, सभी ने आंसर दे दिया है। 35 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे, चलो देखिएगा। अब नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्री में क्या होता है कि ओ एंड सी एक न्यून कोणीय त्रिभुज है पी क्यू आर। तो मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बना दिया पी क्यू आर। एक ट्राइंगल अगर मैं पी क्यू आर बना लेता हूं तो ये एक न्यून कोण त्रिभुज है, तो ऐसा होगा। और एक एक चीज क्लियर की हुई है कि न्यून कोण त्रिभुज में ओ और सी क्या हैं, लंब केंद्र और परिकेंद्र हैं। यानी कि यहां पर ओ होगा क्योंकि लंब केंद्र भी अंदर होता है और परिकेंद्र थोड़ा साइड में होता है, किसमें, न्यून कोण त्रिभुज में। ये आपको मैं बता चुका हूं, ध्यान रखो, एक एक थ्योरी में क्लियर किया हुआ है सारी चीजें। अगर ऐसा है सर, तो फिर आगे की बात आप बताएंगे कि बिंदु पी ओ को मिलाकर बढ़ाया गया और ओ आर को एस पर काटता है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं, इस वाली लाइन को ऐसे निकाला तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसको ये एस पर काट रहा है, ठीक है। चलिए आगे अगर बात की जाए तो आगे क्या बोला गया है कि भैया पी क्यू एस आपका 60 है, यानी कि पी क्यू एस ये आपका 60 डिग्री बोला गया है, ये आपका 60 डिग्री बोला गया है। और क्यू सी आर यानी कि अंदर भी मिलाया गया है डियर, कुछ देखिए क्यू सी आर, ये आपसे कितना बोला गया है क्यू सी आर, क्यू सी आर आपको दिया गया है 130। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हर एक चीज आपको क्लियर है क्योंकि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है। तो जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको देखो क्या करना है। सबसे पहली बात क्या करना है, देखिए, अगर ये परिकेंद्र है, जो सी क्या है आपका परिकेंद्र है ना, तो सरकम सेंटर क्या करता है, सरकम सेंटर के केंद्र पर बना हुआ कोण यहां पर जो पीछे वाला एंगल होता है उससे दुगना होता है, दुगना होता है ना। यानी कि ये पूरा वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल 65 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 130 है तो ये 65 होगा। ज्योमेट्री में ही कर सकते हो, डायग्राम में ही सारा क्वेश्चन सॉल्व है। ये अगर आपका 60 डिग्री है, वो 65 है, तो ये पूरा वाला एंगल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जल्दी से बता दीजिए। तो 65 और 60 कितना हो गया, 125 को अगर आप 180 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 55 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये अगर 60 है, ये इसका आधा होता है, बताया हुआ है, थ्योरम होती है, यहां पर ये 65 है, तो ये वाला तीसरा एंगल 55 हो जाएगा ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, कोई समस्या नहीं है ना। अब आप जरा ये देखिए कि अगर मैं इसमें ये वाला ट्राइंगल चूज करता हूं, कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ग्रीन वाला, अगर ये वाला ट्राइंगल मैं चूज करता हूं तो मुझे निकालना क्या है, आरपीएस, मुझे यही तो निकालना है, ये वाला एंगल ही तो निकालना है। ये आपका 90 डिग्री है, ये पूरा आपका 55 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बता दो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। सर अभी तो आपने बताया कि ये 90 डिग्री है और ये 55 है, यानी कि 145, तो ये कितना हो जाएगा, 35, तभी तो 180 होगा। तो यही आपसे पूछा गया है और यही आपका आंसर है। समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया, क्लियर है,
कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा लग रहा है ना, लाइक वाइक करो, शेयर वेयर करो वीडियो को जल्दी से। अगला प्रश्न आपके सामने है, सारे खूबसूरत क्वेश्चन है, ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपका समय शुरू करता हूं, देखते हैं कि कितनी जल्दी आप आंसर देते हैं डायग्राम बनाकर, क्योंकि पेपर में आपको इसी तरीके की क्वेश्चन आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या आपका आंसर आएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन बोलता है, त्रिभुज एबीसी है, तो मैंने यहां पर क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया एबीसी। ठीक है, एक ट्रायंगल बना देता हूं एबीसी, एक ट्रायंगल क्या बना दिया मैंने, एबीसी बना दिया। ठीक है, बोला गया है मैंने एक ट्रायंगल बना दिया एबीसी। ए बी और ए सी को दो बिंदु डी और ई इस प्रकार चुने गए हैं, ए बी और ए सी पर डी और ई दो बिंदु इस प्रकार चुने गए हैं। किस प्रकार चुने गए हैं कि भैया ए डी क्या है, एक है, तो ए बी आपका तीन है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मिला देते हैं तो क्या होगा, अब आपसे देखो कुछ बोला नहीं गया है, थेल्स थ्योरम के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन उसने साफ कर दिया ये बात कि अगर ए डी आपका एक है तो ये बड़ा वाला आपका तीन है। देखो मैं क्या कह सकता हूं, देखो ना, AD अपॉन AB, इसी तरीके से ये अगर आपका एक है तो ये बड़ी वाली भुजा तीन है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। बोलो, यानी कि यहां उल्टा खेल खेला गया है हमसे। यहां उल्टा खेल क्या खेला गया है कि उल्टा खेल यही खेला गया है डियर स्टूडेंट्स कि यहां संगत अनुपात बराबर दे दिए। अगर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर उनके संगत अनुपात बराबर होंगे तो वो तीसरी भुजा के अनुपात भी बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएगा। यानी कि थेल्स का रिवर्स दे दिया। ये नहीं बोला कि डी और ई को मिला दिया जाता है तो तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा, ये नहीं बोला। ये बोला गया है कि अनुपात बराबर है तो तीसरी भुजा का अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये अगर एक है तो ये तीन हो जाएगा। तो आपसे क्या बोला गया है, बीसी की लंबाई दे रखी है 15, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, 5 सेंटीमीटर विल बी योर राइट आंसर। तो उल्टा बोला गया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सारी चीजें क्लियर हैं। अगला प्रश्न खूबसूरत सा है, आपके सामने है, तो जल्दी से ट्राई करिए और मजा आ रहा है लाइक करिए, शेयर करिए, ये मैं आपसे चाहता हूं। तो कम ऑन गाइस, ये लीजिए फटाफट से करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी ने आंसर देगा तो बढ़िया लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओ त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र है। अब अंत केंद्र के बारे में पता होना चाहिए, अंत केंद्र के बारे में पता होना चाहिए ना कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है जिसका नाम मैं दे देता हूं एबीसी। अब अंत केंद्र क्या होता है ये आपको पता है, यहां बोल रखा है कि ओ आपका क्या है, एक इन सेंटर है। तो इन सेंटर बनता कैसे है, अगर मैं छोटी छोटी चीजें पूछू ना तो आप हर चीज को रिवाइज करते चलो, इतना काम कर लो मेरा, ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाएगी। अंत केंद्र क्या होता है जल्दी से रिकॉल करो, सर कौन समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, कौन समद्विभाजन का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है अंत केंद्र, हाँ बस इतना सा दिमाग में रखना है। ठीक है, और क्या होता है, अगर थीटा निकालेंगे तो 90 प्लस ए बाई टू पीछे वाला एंगल का आधा, ये दिमाग में होना चाहिए। अब क्या बोला गया है कि डी भुजा एबीसी, त्रिभुज एबीसी के बीसी पर एक बिंदु पर इस प्रकार मिलती है, ओडी बराबर बीसी है, यानी कि यहां पर मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, बोला गया है मेरे से, मैं कुछ नहीं कर रहा, बीसी पर ये ओडी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, बोला गया है। बीओडी आपका 15 है, बीओडी आपका 15 है, बी ओ डी यानी कि आपसे मिलाना पड़ेगा। ये कहते हो ना आप कि सर हमें कैसे पता चलेगा,
क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भैया देखो ये बात है बी ओ डी बनाना पड़ेगा, तो बी ओ डी यही बन सकता है, बी ओ डी ये आपको कितना दे रखा है 15 दे रखा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये 90 है, तो ये क्या होगा, निकाल सकते हो ना किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, ये आपका हो जाएगा 75 डिग्री। और अभी बताया था ना कि अगर ये अंतःकेंद्र है तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये भी 75 होगा। अगर ये भी 75 है, ये भी 75 है, तो आपसे क्या पूछा गया है, ए बी सी, यानी कि यही वाला एंगल तो पूछा गया है जो कि 150 हो जाएगा। मज़ा आ गया क्या, मज़ा आ गया क्या। इसलिए कहते हैं कि जब तक आप थ्योरी को क्लियर नहीं करते तब तक ये सारी चीज़ें अधूरी सी लगती हैं, क्योंकि प्रश्न अगर जो थ्योरी नहीं पढ़ा है ना स्टूडेंट, उसको प्रश्न लगेगा अरे सर कैसे कर दिया आपने। अगर अंतःकेंद्र पता हो कि क्या होता है, कि कोण समद्विभाजक का ही तो होता है, इसी वजह से। क्लियर है, आंसर आ गया सबको, समझ में आ गया, अच्छा लगा, जल्दी से लाइक करके बता दीजिए, सर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब बताओ पता है तो करके बताओ। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो भैया सिंपल सा एक लॉजिक होता है, एक त्रिभुज एबीसी दे रखा है आपको, त्रिभुज एबीसी दे रखा है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में क्या बोला गया है कि भैया एबीसी बना लो, पहले मैंने एबीसी बना दिया, आई आपका अंतःकेंद्र है, आई आपका अंतःकेंद्र है, मान लिया ये रहा, तो बी आई सी आपको दे रखा है 135। अब ये बी आई सी होता क्या है, अगर किसी को पता हो तो ये होता है 90 डिग्री प्लस ए बाई टू, ए क्या है पीछे वाला एंगल, तो ए निकाल सकते हो आप, क्या ए को निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 90 डिग्री प्लस ए बाई टू बराबर अगर आपका 135 है तो ए बराबर आ गया 90 डिग्री। तो अगर किसी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो कोण क्या होता है, वो त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंसेप्ट पता होता है तो कर सकते हो, अन्यथा फिर वहीं घूमते रहोगे। तो हर चीज़ मैंने पढ़ा दी है, ज्योमेट्री अब दोबारा पढ़ाने के लिए मत बोलना, ठीक है। चलिए अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर की हैं, अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से करके बताया जाए, इससे क्या हुआ थ्योरी से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, और वो किसी भी चीज़ को समझने और करने से ज़्यादा बेहतर है, अंडरस्टैंडिंग आना। अब ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। एक ट्रायंगल है मान लिया एबीसी, ए आपका 60 डिग्री दे रखा है, बी तथा सी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब एक दूसरे को पी पर काटते हैं। तो भैया देखो ये अगर पी पर काट रहे हैं एक दूसरे को, तो हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करना आप लोग, कि पी पर काटते हैं बीपीसी का मान निकालो, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। अरे भैया देखो ये एक चतुर्भुज नहीं बन गया क्या, ये वाला चार भुजाओं की आकृति बन गई, चतुर्भुज बन गई ना, ये 90 डिग्री हैं ही दोनों, तो 180 तो यहाँ ख़त्म हो गए, तो ये वाला कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में शीर्ष अभिमुख कोण है तो ये भी 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा, 120 विल बी योर राइट आंसर। तो वीडियो को शेयर वेयर करो यार, लाइक वाइक करो, शेयर वेयर करो वीडियो को, जिससे कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से चीज़ें सीख पाओ और बढ़िया तरीके से मजा आए क्लास में। तो ये लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपका समय शुरू करता हूँ मैं अब, चलो करके बताओ।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चीज़ें हो गई, समय हो गया, अब इस चीज़ को कैसे करेंगे, देखिए त्रिभुज एबीसी है। मैंने क्या कहा कि एक ट्राइंगल बना लिया, बना ही लिया करो, एक ट्राइंगल बना लिया आपने। ट्राइंगल एबीसी में, एबीसी में बी और सी के अंतः समद्विभाजक पी पर तथा बाह्य समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं, यानी कि वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। थोड़ा ध्यान करो, अगर इसके अंतः समद्विभाजक हैं तो इन सेंटर वाली बात की जा रही है, इसका मतलब चोरी छुपे इन सेंटर वाली बात हो रही है। और इन सेंटर में मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है बहुत सारी डिटेल में, कि अगर उसके बाह्य सेंटर भी मिलते हैं तो वो यहाँ कहीं मिलेंगे, मान लो। तो ये आपका क्या है, पी पॉइंट है, ये आपका क्या है, की क्यू है। आप लोग ये जानते हैं ना कि ये क्या हो जाता है, ये होता है 90 डिग्री प्लस एंगल पीछे वाला बाई टू, और ये वाला क्या हो जाता है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू। आप लोग मुझे बताओ कि ये एक तरीके से चतुर्भुज ही तो बन गया, ये एक तरीके से आपका चतुर्भुज ही बन गया ना, बन गया ना। आपसे क्या पूछा गया है, पी बी क्यू यानी कि ये वाला एंगल, आपसे क्या पूछा गया है, पी सी क्यू यानी कि ये वाला एंगल। आप कुछ भी हो, इन दोनों का योग पूछा गया है, तो इन दोनों का योग क्या है, 180 डिग्री है ना। इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है और एक क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो इन दोनों का योग कितना बचेगा, 180 डिग्री बचेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके सामने हर एक चीज़ जो है वो स्पष्ट है, आपसे जो बोला गया है, आपको जो समझना है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यानी कि जितनी जल्दी आप किसी प्रश्न को देख सकते हो उतना जल्दी कर पाओगे, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो क्लियर हो रहा है, लाइक वाइक करते रहिए, अगर अच्छे से समझ में आ रही है चीज़ें, अगर पढ़ी हैं तो, अगर नहीं पढ़ी हैं तो फिर जिम्मेदार आप हो, क्योंकि कमी नहीं छोड़ी है पढ़ाने में, है ना, सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। ये लीजिए, आपके सामने प्रश्न आ गया है, तो करके बताओ, जल्दी से करके बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए, टाइम्स अप हो गया है, टाइम्स अप हो गया है। देखिएगा, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है, यानी कि एक ट्रायंगल बना लो पहले, ट्रायंगल एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक AD है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये लीजिए A का समद्विभाजक है AD। अब ये AD है, ये परपेंडिकुलर नहीं गिरा है, ध्यान रखना ये कोण समद्विभाजक है। तो याद करो, जो कह रहे हैं ना कि सर मिस हो गया, सब कुछ भूल गए, मिक्स हो गया, भाई ये रिवीजन के लिए तो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वरना तो कब का मिक्स हो चुका होता। अब यहाँ क्या हो रहा है, अगर ये कोण समद्विभाजक है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद है क्या, अगर आपका ए बी आपको 8 दे रखा है, आपका बी ए सी आपको 10 दे रखा है, और ये आपको कितना दे रखा है, 13.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर याद है, तो अगर मैं इसको एक्स मान लूं, अगर मैं इसको वाई मान लूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 8/x बराबर हो जाएगा 10/y के, यानी कि यहां से x और y का रेशो निकल जाएगा आपके सामने, दो दो से काटेंगे आप, 2 × 8 और 2 × 5 = 10। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहां पर x और y के रेशो में, कोई परेशानी। अब x प्लस y आपका 13.5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 9:9 आपका अगर 13.5 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 1.5 एक रेशो बराबर 1.5 है, तो BD का पूछा गया है, यानी कि आपसे X पूछा गया है, तो X कितना हो जाएगा 1.5 × 4। मजा आ गया भाई, 6 आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। सर गुरुजी PDF देते हैं, कह रहे थे आप थ्योरम की, हाँ कह रहे थे, लेकिन आपने नोट्स नहीं बनाए क्या भाई, वो जो PDF बनी है ना वो नोट्स ही हैं आपके, है ना, ठीक है।
आप ऐसे ऐसे गणित पढ़ने से नहीं आएगी, है ना डियर स्टूडेंट्स। बस अच्छे से पढ़ाई करो, कितनी मेहनत की गई है आपको पता ही है ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें लिखाई गई हैं, जिन्होंने नोट्स बनाए होंगे उन्हीं को समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके द्वारा पढ़ी गई हैं। तो आप अच्छे से लाइक वाइक करते रहें, हाँ, तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये मैं चाहता हूँ। और ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं सारी, तो इतनी आसानी से आप प्रश्न बना सकते हो, अब ज्योमेट्री आसान लगने लगेगी आपको पेपर में, और कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जिस प्रकार ये प्रश्न आ गया है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, और लाइक वाइक करो यार, शेयर नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। तो प्लीज ये काम आप करो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आप ये क्वेश्चन है ना बिना देखे कर सकते हो, वैसे तो कुछ क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। दो समद्विबाहु त्रिभुज जिनके संगत शीर्ष कोण समान है। अब संगत शीर्ष कोण समान है तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में क्या है, समरूप है। बोला गया था ना कि अगर उनके ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर है, तो संगत शीर्ष कोण समान हो गए, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गए। तो इनके एरिया का रेशो दे रखा है 9:16। तो आपसे पूछा गया इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं H1 और H2 है ना, तो कभी भी जो संगत ऊंचाइयां होती हैं तो उनकी जो स्क्वायर है ना वो एरिया के प्रोपोर्शन होता है हमेशा, यानी कि ऊंचाइयों का अनुपात हो जाएगा 3:4, 3:4, ठीक है ना। तो समरूप ट्राइंगल है क्योंकि संगत शीर्ष कोण समान है। अब आपके पास रीजन भी है, ये आप खुद सोचो कि आपने थ्योरी पढ़ के क्या किया, आपने थ्योरी पढ़ के नॉलेज गेन की, उस नॉलेज के बिहाफ पर आपको, मुझे लगता है कि भाई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे होंगे पढ़ने पर, लेकिन जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, पहले वो भी समझ में नहीं आता था, लेकिन अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं, क्वेश्चन की थ्योरी क्लियर होने लगी है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है वो क्लियर होने लगा है, ये आपने अर्जित किया है, ठीक है। चलिए, तो जो कमाया है उस पर थोड़ा ध्यान दो कि जो आपने क्या कमाया है, ठीक है, इस थ्योरी से। तो अगला प्रश्न ये है, तो चलो आप करके बताओ, करके बताओ, चलो आंसर दो। टाइम्स अप, एक स्टूडेंट कह रहा है सर थ्योरी का नोट्स दीजिए। भाई सारा हाथ से लिखाया हुआ है ना, और रोज पीडीएफ देता था, तो वो पीडीएफ ही नोट्स हैं, और जिन स्टूडेंट ने पढ़ते थे डेली वो लिखते थे, तो वो अपने आप उनके नोट्स बन गए। तो तुम ऐसे हो कि बस भगवान कहते भाई सारी चीज़ तो बट गई, लेकिन नहीं भगवान मुझे तो आप फल दे दो, ऐसा नहीं होता ना, मेहनत करने से चीज़ें मिलती हैं। नोट्स तो मैं हज़ार दे दूंगा लेकिन पढ़ भी नहीं पाओगे आप, क्यों, आलस इतना भरा पड़ा है ना शरीर में, पढ़ाई पर ध्यान दो दोस्त। जब चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई हैं, एक एक नोट्स लिखाया है, तो वही चीज़ करनी है, पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक पढ़ो, अपने आप समझ में आएगा। नोट से अगर पढ़ाई होती तो आप बुक देख के पढ़ लेते कि टीचर की आवश्यकता क्या होती फिर, ठीक है। तो चलिए, तो चीज़ों को ऐसा नहीं है कि बस लिखा है तो पढ़ लेंगे, समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। तो मैं जानता हूँ सर क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 8 और 11 होगा। तो संगत भुजाएं यहां पर EF ले रखी है ना, तो यहां पर अगर EF ले रखी है तो यहां BC आएगी, दिमाग, कॉमन सेंस। तो अब यहां कह सकते हैं हम कि यहां BC निकालना है, EF आपको दे रखा है कितना, 15.4। तो एक सेकंड में आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते क्या,
जो एरिया का रेशो था उसका रूट आपकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यहां से आप कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। तो 11 एकम 11 बचे 4, 11 चौके 44, 14 8 112। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हां चलिए समझ में आ गया। अगला प्रश्न ये रहा, खूबसूरत है, आपके लिए है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा समय शुरू करता हूं मैं अब। कितने पेज भर गए? 200 पेज की एक पूरी नोटबुक ज्योमेट्री से भर गई। ये देखो 200 पेज पढ़ा दिए। चलिए टाइम सब करता हूं, टाइम सब कर देता हूं। इस प्रश्न को देखिएगा, दो समरूप त्रिभुज हैं एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप क्रमशः ये हैं 36 और 24 सेंटीमीटर। तदनुसार यदि पीक्यू बराबर 10 है तो एबी की लंबाई आपको बतानी है। तो हम ये कह सकते हैं दो समरूप त्रिभुज है, तो परिमापों का तो डायरेक्टली होता है ना डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ना परिमापों का डायरेक्टली होता है। यानी कि त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप है, त्रिभुज पीक्यूआर का जो परिमाप है, वो तो डायरेक्टली संगत भुजाओं के बराबर होगा। यानी कि 36/24, तो यहां पर पीक्यू दे रखा है यानी कि नीचे वाली भुजा दे रखी है 10, तो उसके रेस्पेक्टिव क्या निकलेगा? यहां पीक्यू लिया है तो यहां एबी आएगा। तो ध्यान रखना एक रेस्पेक्टिव चीज भी होती है कि क्या निकल कर आएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं, मैंने काटा इसको क्या कहते हैं 6 से काट लीजिए, 6 चौके 24, 6 चंगा 36 और 60 15 आ जाएगा, 15 आपका आंसर आ रहा है। कर पा रहे हो ना अब? अब क्वेश्चंस कर पा रहे हो ना अच्छे से? वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है ना? मैं कुछ कहने वाला तो हूँ नहीं वैसे भी तुमसे, है ना, बस करना है, ठीक है? चलिएगा तो आराम से सीखो, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो शुरुआत है, पहला लेक्चर है, आपको पता हो तो। ये किस लिए कर रहा हूँ भाई, वरना मेरे को मजा थोड़ी ना आ रहा है। मैं तो इतने दिन में जाने कितने चैप्टर पढ़ा देता छोड़ छोड़ के, आधा आधा करके। ज्योमेट्री कंप्लीट पढ़ाना बहुत बड़ी बात है और आपने पढ़ लिया है वो, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न ये रहा, इसका आंसर दो। चलो जिस स्टूडेंट को पता है ना तो सेकंडों में इसका आंसर आएगा। आप बताओ, जल्दी से बताओ नॉलेज क्या होती है ये देखने को मिलेगा। अब देखो एक समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, उसकी माध्यिका बताओ। चलाने की जरूरत है? नहीं है, हम जानते हैं। देख सोचो, समबाहु त्रिभुज की बात की गई थी तो मैंने क्या बताया था कि समबाहु त्रिभुज में सब कुछ एक ही केंद्र होता है और ये जो है ये आपका क्या दे रखा है? आंतरिक त्रिज्या होती है हमेशा। तो ये कितनी होती है? इसी सेंटर का ये परिकेंद्र भी है, ये इन सेंटर भी है, ये माध्यिका भी है, ये तो माध्यिका 2:1 में काटेगी। तो 1:3 अगर 3 है तो 3:3, क्योंकि 2:1 होता है ना माध्यिका, केंद्र क्या करता है माध्यिका को 2:1 में, 3:9, और 9 ही आपका क्या है? आपकी माध्यिका की लंबाई है। ये सीखा है, ठीक है, यही सीखा है आपने। अगला प्रश्न ये लीजिए, करके बताइए। समय शुरू कर रहा हूं, करके बताओ। टाइम सब हो गया है, टाइम सब हो चुका है। तो देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए
त्रिभुज एबीसी में अंतःवृत्त का केंद्र आपको दे रखा है ओ, बीओसी आपका 110 है तो बीएसी कितना होगा, यानी कि ये आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना दिया मैंने। चलिए ये एक त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज एबीसी है, अंतःवृत्त का केंद्र ओ है, मैंने ये लो बीओसी, बीओसी आपको दे रखा है 110। अभी बताया था ना कि अंतःवृत्त की जो चीज है तो ये आपको निकालना है, ये थीटा अगर आपको निकालना है तो क्या होता है 110 बराबर 90 डिग्री प्लस थीटा बाय 2, तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। पता होगा तो कर लोगे, आसानी से कर लोगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न जल्दी से करके बताओ। अब देखो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेंगी और क्वेश्चन भी हो जाएंगे। चलो करके बताओ फटाफट, मजा आ रहा है, लाइक वाइक करो और बढ़िया तरीके से खुशी से पढ़ो, है ना। जब तक जब खुशी से पढ़ोगे ना तो अपने आप सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए टाइम सब हो गया है, टाइम सब हो चुका है, जरा देखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स, देखिए त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज एबीसी ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, बिल्कुल आइडियल त्रिभुज होता है। बोला क्या गया है, मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी, ए बी सी, ए बी और ए सी पर पी तथा क्यू दो ऐसे बिंदु हैं, पी तथा क्यू दो ऐसे बिंदु हैं जो पी क्यू, लो बात वही आ गई ना, यानी कि हमसे कुछ बोला नहीं है लेकिन फिर भी हमें समझ में आ गया, अच्छा भैया दोनों समांतर हैं, समांतर हैं तो थेस थ्योरम लग सकती है, मिड पॉइंट के बारे में कुछ बोला नहीं गया है। पी क्यू अगर आपका 5 है तो आपसे पूछा गया है कि ट्राइंगल ए पी क्यू का क्षेत्रफल कितना होगा, ट्राइंगल ए पी क्यू का, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये अगर 5 है तो ये भी 5 और ये भी 5, बोलो ये अगर 5 है तो ये भी 5 और ये भी 5, तो सिंपल लॉजिक हो गया इस क्वेश्चन का, हो गया ना, बस काम ही खत्म हो गया, एक समरूप त्रिभुज बन गया और इसका क्या होता है रूट 3 ए स्क्वायर बाई 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करके बताओ, इसी बिहाफ पर है, कौन कौन करके बताएगा जरा देखते हैं, चलो करो और लाइक करो शेयर करो भैया, बढ़िया तरीके से पढ़ाई पढ़ाई बढ़िया पढ़ाई करो बस। मिड पॉइंट थोड़ी दिया है, कहां बोला है मिड पॉइंट, बोला है दिया ही नहीं है मिड पॉइंट, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा ये बताइएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है, यानी कि सर समझ में नहीं आया, अरे भाई देखो पहली बात बोली गई है पहले एक समकोण त्रिभुज बना दो, तो एक समकोण त्रिभुज बना दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, इसका बोला गया है कि इसका एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है, बस हो गया काम। यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 है, यानी कि इसके कर्ण की लंबाई अगर 10 दे दी आपको, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या मैं ये कह सकता हूं 3x बराबर अगर 90 डिग्री होगा तो x बराबर 30, यानी कि ये आपका 30 हो गया, ये आपका 60 हो गया। अब आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने क्या होता है 2a होता है, हर चीज बताई हुई है, तो a बराबर 5 आ जाएगा, तो इसके सामने 5 और इसके सामने 5 रूट 3, तो आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगी, काम हो गया भैया, 1/2 आधार 5 इंटू ऊंचाई 5, आधार 5 रूट 3 और ऊंचाई 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 रूट 3/2, इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा,
इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया सर? 30-60 भी तो ले सकते हैं ना? ले सकते नहीं है, हमें डेराइव करना पड़ेगा, ले नहीं सकते, घर की माया नहीं है भाई, ध्यान रखना, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ये रहा एक नंबर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, आंसर निकाल के बताओ, ये देखिएगा, चलो लगाओ दिमाग। मतलब दिमाग वही वाली बात है ना, बस ट्रिपलेट भी तो हो रहा है, ट्रिपलेट भी तो हो रहा है, मेरी बात सुनो, ट्रिपलेट कहाँ हो रहा है, किसकी मर्जी से हो रहा है ट्रिपलेट, किसने बोला ट्रिपलेट हो रहा है? अरे दिमाग का उपयोग किया करो ना भाई, जब एंगल अलग अलग दे रखे तो हम अपनी मर्जी क्यों चलाएं? जब ये क्वेश्चन करना है एंगल से डील, तो मैं 6-8 थोड़ी दे रखा है यहां पर, 10 तो अलग अलग के साथ भी हो जाएगा, 10 करने तो मैं 10 भुजा बना दूं, ऐसी 10 कॉम्बिनेशन बना दूं ऐसे में भाई, कॉम्बिनेशन तो 10 बन सकते हैं ना, आपको ना तो ये पता है ना ये पता है, समझ में आ रही है ना बात? दिमाग सेट हो रहा है ना कि चीजें क्या होती हैं, आपको एंगल के तौर पर ये चीजें निकालनी है, ना कि ट्रिपलेट तो हो रहा है ना सर, ट्रिपलेट कैसे हो रहा है, ये 10 दे रखा है तो इससे क्या ट्रिपलेट बन जाएगा क्या, केवल 10 से? इन दोनों के बारे में बताया आपको कुछ? अगर इनमें से 6 होता ना, तो मैं ये कह सकता था कि ये निश्चित तौर पर 8 होता है। अब ये दोनों भी तो वेरी करेंगे ना भाई, ये है तो भाई जो बोल रहे हैं वो दिमाग का उपयोग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, चीजें अलग हैं, यहां एंगल के थ्रू निकालना है, ट्रिपलेट की तो बात ही नहीं कर सकता मैं, 50 कॉम्बिनेशन बना दूं जो 10 उधर हो, ठीक है चलिएगा। अगला प्रश्न ये है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, तो यार समझा करो, है ना, अच्छे बच्चे की तरह, मतलब अच्छे स्टूडेंट की तरह, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बना दिया, 10 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज है बोला गया है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बोला गया है तो मान लिया मैंने, कौन सा मना किया है, ठीक है ना। BC को D पर मिलाया जाता है, तो मैं डायमेंशन लिख देता हूँ, A है, ये B है, ये C है, BC को D पर एक तिहाई भाग में बांटा जाता है, तथा E को BC को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। अच्छा, यानी कि दो भुजाएं आ रही हैं सामने से, दो भुजाएं आ रही हैं, एक तो क्या कर रही है, एक भुजा तो क्या कर रही है, एक तिहाई भाग में बांट रही है, ठीक है, ठीक है, और एक भुजा क्या कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, इसका नाम मैं दे देता हूँ, इसका नाम अगर मैं देना चाहूँ तो कितना निकल जाएगा, BC को D एक तिहाई भाग में बांट रही है, और BC को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ये आपका E है, BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये आपका D है, ये आपका D है। अब ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये परपेंडिकुलर भी होगा, अगर कोई चीज़ दो बराबर भागों में बांटे तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, एक चीज़ मेरी बात समझना, दो बराबर भागों में बांटी है तो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो यही इसकी माध्यिका है और यही इसका एल्टीट्यूड है, यही सब कुछ है, यही बराबर भागों में बांट रहा है, तो यहां मेरी एक स्पष्ट स्थिति हो चुकी है सर कि ये मुझे पता लग चुका है कि AE क्या होगा, क्योंकि अगर आपको भुजाएं दे रखी हैं तो क्या आप इसकी ऊंचाई नहीं निकाल सकते क्या, तो जल्दी से निकाल के साइड में रख लो कि सर ये ऊंचाई हो जाएगी। अब ऐसा दे रखा है सर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरी 10 है तो ये 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और ये 10/3 हो जाएगा, क्योंकि एक तिहाई भाग में बांट रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 5/3। तो क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा क्या, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा?
आपको क्या निकालना है, एडी तो निकालना है। तो एक छोटा सा एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, जिसे मैं यहाँ बड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये ए है, ये ई है जो कि इस त्रिभुज की ऊंचाई है, और ये डी है, ये आपका 5/3 है। ये कितना हो जाएगा, √3a/2। तो a की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, तो ये कितना हो जाएगा, 5√3। तो आप मेरे साथ इस चीज को समझने की कोशिश करें। तो क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं? जी बिल्कुल लगा सकता हूं। पाइथागोरस में क्या हो रहा है, 25 या 75 + 25/9। तो यहां से कितना आ जाएगा, 700/9। तो ये कितना हो जाएगा, 10√7/3। तो यही आपका आंसर है और यही एडी की लंबाई हो गई। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में मज़ा आ गया क्या, जल्दी से बताओ, चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या, आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही है? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको मैं हर एक चीज़ को और बेहतर कर सकूं। सर 5/3 कैसे आया? हेमंत, ये पूरा ये पाँच है, तो ये पूरा पाँच है ना, तो 10/3 में से 5 में से घटाओगे 10/3, तो कितना आ रहा है, 5/3 ही आ रहा है ना। तो ये दिमाग लगाओ, बस अपने आप हो जाएगा सारा काम, अपने आप हो जाएगा। और आज टेस्ट भी है आपका, आज टेस्ट भी है आपका, ठीक है ना, तो टेस्ट भी देना है। तो देखिएगा, ये लीजिए, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, लास्ट क्वेश्चन है, और जल्दी से करके बताइएगा इसको, ठीक है ना। चलिए जल्दी से करके बताएं इस क्वेश्चन को। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा आप देख सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, कठिन नहीं होता है, हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि एक क्या है, आपके सामने एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज एबीसी है, तो मैंने इसका नाम दे दिया, भैया एबीसी त्रिभुज है सर, बोला गया है आपके द्वारा, मैंने कहा ठीक है। दो माध्यिकाएं एडी और बीई समकोण बनाते हैं, यानी कि दो माध्यिकाएं हैं एडी और बीई, यानी कि एक माध्यिका ये जा रही एडी और एक माध्यिका ये जा रही बीई, ये क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, ऐसा बोला गया है हमारे, तो मतलब इसमें बोला गया है। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से करवाए भी हैं, याद करो, ठीक है। अगर समकोण बनाने के बारे में बोला गया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ भाई बोला गया है समकोण बनाने के बारे में। तो आप लोग मुझे बताओ कि एडी आपको दे रखा है 9, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये तो केंद्रक है ना, तो 2:1 में विभाजित करेगा, तो 3:9 अगर 9 है तो ये 1:1 ही तो है मेरे स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 3। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बीई आपका कितना है, बीई आपका 6 है, यानी कि 3:6 अगर 6 है तो यहां ये 2:1 चाहिए ना, तो ये 1:2 हो जाएगा, 2:4। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपसे, ये बोला गया है कि यार बीसी निकालो, तो ये अगर 90° है तो ये कर्ण हो जाएगा, तो यहां ट्रिपलेट लग गया, देखो अपने आप दिख जाता है चीज, ये 5 ये 5, क्योंकि ये माध्यिका 2 भागों में बांटती है, ध्यान रखना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, सी मत देना, क्योंकि आप सी दे दोगे तो बात बिगड़ जाएगी। मजा आया क्या क्लास में, जल्दी से बताओ, क्लास अच्छी लगी क्या सबको बताओ, जल्दी से लाइक कर दो मेरे जितने प्यारे स्टूडेंट हैं, अभी तक जिन्होंने शेयर नहीं किया है इस वीडियो को शेयर भी कर दो, ये आपका मैं प्यार समझूंगा, समझ रहे हो मेरी बात। दूसरी बात, होमवर्क नोट कर लो, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना, हाँ देखो ट्रांसलेशन, देखो देखो भैया गूगल ट्रांसलेट कैसे करता है, उसके कर्ण पर, ऑन देयर ईयर, वाह, ऑन देयर हाइपोटेनस, ठीक है। चलिए तो क्या हो सकता है अगला, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, तो करना कोशिश, ठीक है, जो भी करेक्शन होगा मैं कल करके लेके आऊंगा, साथ के साथ मेरा अर्थमेटिक चल रहा है, प्रॉफिट लॉस का आज पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद कल सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, तो आप जुड़िए, क्योंकि अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिल सकती है अर्थमेटिक में भी, वाईफाई एनटीपीसी कोड लगा सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई और कोर्स चाहिए तो आप मेरा कोड लगा सकते हैं साहिल 10, अगर आप एनटीपीसी के लिए जाते हैं तो आप वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाएं, आपको
ये पता है कि एनटीपीसी में जो भी क्लासेस मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि केवल मैथ का मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। अनअकैडमी पर आप जा सकते हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। डाउनलोड करने के बाद में रेलवे एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लें, रेलवे एग्ज़ाम के बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर 6 महीने का ले लें, क्योंकि 1 महीने की प्राइस तो काफ़ी बढ़ चुकी है, यानी कि करीबन 1500 रुपये हो चुकी है, तो 1 महीने का कोई वर्थ नहीं बनता है। अगर आप लें तो 6 महीने का ले लें, वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर अप्लाई कर दें, रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आपके सामने ये आग्रह है कि भाई आप सारे के सारे कोर्स एक्सेस कर पाओगे रेलवे के एक ही कोड के माध्यम से। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी से आग्रह है कि इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा आप सभी स्टूडेंट। और मैं अभी एक सेशन लेके आने वाला हूँ मैथ का महाधमाका, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मेरे कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से आने वाले हैं, आप किस किस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि सेशन आपको अच्छा लगा है। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, होप यू लाइक इट। सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलना, ये आपका काम है, मेरा काम आपको बेहतर क्वेश्चन कराना और आपका स्टैंडर्ड अलग लेवल पे ले जाना है। बाय बाय, लव यू ऑल।